हेलो एवरीवन, कैसे हो गए आप सभी लोग एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ क्राइम सीन क्लीनर। तो गाइस, वापस आ चुके हैं हम लोग एक और जगह साफ सफाई करने के लिए। आज पता नहीं कहां जाने बोलेंगे भाई, लेट्स सी। ओ भाई, ये तो बहुत ही खतरनाक है। तो भाई, एक बंदे ने अपने को, एक हैकर ने एक्चुअली में मैसेज किया है कि उसके लिए अपने को ये छोटा सा काम करना है। तो इसने क्या किया भाई कि इसने एक घर देखा जिसको बहुत पसंद आया एंड इसको सस्ते दाम पे चाहिए था। तो इसने उस घर की चीज़ों, इलेक्ट्रॉनिक्स को हैक करना चालू कर दिया एंड जो उस घर में रहते थे उनको लगा ये हॉन्टेड घर है एंड फिर उन्होंने, समझ गए। तो अब जाके अपने को उसके लिए ये चीज़ सॉल्व करनी है एंड बेचारे को उस जगह से, मतलब मुसीबत से निकालना है। बेचारा नहीं है भाई, बेचारा नहीं है, सॉरी बेचारा नहीं है। तो बेसिकली अपन एक हॉन्टेड हाउस सॉल्व करने जा रहे हैं। शॉर्ट सर्किट, ऑल राइट। Don't ask me why smart houses began to creep the shit out of me. Oh, smart houses. I saw so many weird things all in one place. हर जगह कैमरा लगे हुए हैं। एलेक्सा को बोल रहे हैं, एलेक्सा कॉफी बनाओ, एलेक्सा नाश्ता बनाओ, आज हो जाए ढोकले। अरे भाई, तो सही में हॉन्टेड है। ठीक है भाई, सॉरी। तो यहाँ पे टोटल तीन बॉडी है भाई। हर बार तीन बॉडी क्यों रहे, तीन बॉडी क्यों रहते हैं? The only way to fight these insane housing prices. All right, ये बंद है, ये भी बंद है। Okay, I think आवाज आ रही है भाई, ये भूतों की आवाज क्यों चला रहे हो यार? चलो वापस से मैंने लाल कर दिया भाई, ज्यादा अच्छा भी लगता है इसमें। भाई, this job will kill me one day. और डरा भी रहे उल्टा। What is this? स्लीप साउंडली। अरे भाई, इसमें तो फुल भूतिया चीजें करके रखी हुई है। यू आर ट्राइंग टू एक्सेस अ प्रोटेक्टेड फोल्डर, ऑथेंटिकेशन रिक्वायर, ब्रूट फोर्स हैकिंग। ओके, 150 सेकंड लगेंगे भाई। एक ओके, हो रहा है, अपने को कुछ नहीं करना। ऑल राइट, अपन जब तक देख लेते हैं, कुछ क्लू ढूंढ लेते हैं यहाँ पे। एंटीसाइकोटिक्स डिडंट वर्क एट ऑल। एंटीसाइकोटिक बस, तो दवाई लेना चालू कर दिया कि वो पागल है। Sometimes, you really don't need much to make people go crazy. उसने स्पीकर में भूतों की आवाज चला दी। यार क्या बंदा है, ये किसी का भी घर हैक कर सकते हैं, गजब ही है भाई। ओके, ज्यादा कुछ नहीं है यहाँ पे। ब्लड इज टू मच। ओ भाई, व्हाट इज दिस? ये तो सही में हॉन्टेड है। ओ भाई, ऑल राइट भाई साहब, आ जाओ हमारे साथ। ब्लोन राइट ओपन, मस्ट हैव बीन अ हेवी कैलिबर, पेंटेड द वॉल्स रेड। भागो भागो नहीं भाई, मतलब ले आओ, नॉट भागो। एंड व्हाट इज दिस भाई, कुछ ज्यादा ही खून नहीं है, क्या हो गया भाई साहब? ओ सॉरी सॉरी, ब्लंट फोर्स ट्रॉमा। अरे यार, हिट इन द हेड मेनी टाइम्स। यानी कि इसका तो कत्ल हुआ है, इसका कत्ल हुआ है भाई। एंड एक और होनी चाहिए भाई, बॉडी बॉडी एक और नहीं है। ओके, ये पानी है, पानी लिमिटेड है, ये बंद करो। ए क्या है भाई? ओह, भाई इतना सामान मैं भी ऐसी कस के रखता हूँ, सारे कपड़े अलमारी में। ओके, व्हाट इज दिस? मॉम इज लूजिंग इट। ओके, ओह, यानी कि बाप बेटी और डॉटर, ऐसा है क्या? बेटी को लग रहा था कि वो पोजेस्ड है। God didn't help them. It's not really his thing. Okay, what is this? अच्छा, ये रेकी। चलो, लिविंग रूम की मिल गई मेरे को। दिस इज पानी एंड एक और स्पीकर है भाई कहीं, तो मेरे को सुनाई दे रहा है कि कहीं है। आई थिंक नीचे की तरफ होगा, लिविंग रूम में चलते हैं। ओह भाई, ये तो एक्चुअली में हॉन्टेड है। Robot vacuum won't stop until I beat the shit out of it. भाई ये तो जादू तो ना। Wow. What is going on? आप ऐसे डरा रहे हो, डर हम भी रहे हैं, उनको तो टपका ही दिया। ठीक है, बंद करो भाई। क्या ही है, ऊपर से इतनी सारी फोटो कौन लगा के रखता है रूम? एक सेकंड, बिल्ली है क्या? नहीं, वो है एविडेंस। मैं वही सोच रहा था, स्पीकर ही है तो। एंड पैसे भी पड़े मिल गए भाई, थैंक यू। ऑल राइट, यहाँ पर ज़्यादा कुछ नहीं है भाई, स्टील कर लो जो भी छोटे मोटी चीज़ें हैं। ओह, दिस इज द एक और बॉडी। ये तो हाँ छोड़ दो, मर गई भाई। ओके, यहाँ पे एक और स्पीकर है। मेरे को एक बात बताओ कि वो तो हैकर बोला ना, तो उसने स्पीकर कैसे लगाया यहाँ पे? शायद आके लगा दिए होंगे, ऐसा लग रहा है मेरे को।
After she killed her family, she finally stabbed herself in the heart. Oh, that's मतलब where maternal love comes from. पूरा psychotic breakdown हो गया उसको. जितनी भी आवाजें आ रही थी, तो पहले घर वालों को मारा, फिर खुद भी. हाँ भाई, कुछ था क्या? अरे ये वैक्यूम क्लीनर की एसी की तेजी और डरा रहा है. ओके चलो, तीनों बॉडी तो हो गए भाई. डिलीट सर्विलेंस रिकॉर्डिंग्स. रिकॉर्डिंग भी देखनी पड़ेगी भाई. व्हाट इज दिस इन एलए? दिस सीक्रेट होल अपार्टमेंट. ओ भाई, इन एलए. मुंबई में भी यही हाल है, इतना ही अपार्टमेंट रहता है क्या? कौन है गाइस मुंबई से, बताओ मेरे को. इससे बड़ा भी अपार्टमेंट है क्या? यहाँ पर ज़्यादा कुछ नहीं है, एक ही चीज़ मिली थी मेरे को, वो मैंने ले ली. सर्वेलेंस रिकॉर्डिंग देखना है मेरे को, इसलिए अंधविश्वास नहीं करना चाहिए. और मेरे को समझ नहीं आया, इन लोग को पता कैसे नहीं चला कि भूतिया है इनका घर. स्पीकर की आवाज़ अलग ही समझ आती है. व्हाट इज दैट? ओह हाँ, एक और स्पीकर. ओके अब हो गया मेरे ख्याल से सब. ओके लेट्स चेक अगर. हाँ इधर ही था ना, तो ये रहा गाइस सर्वेलेंस रिकॉर्डिंग. अरे डिलीट, अरे मेरे को देखना था यार, मेरे को देखने तो दो. शिट, इसी की तो बात कर रहा था मैं, पता चल जाता अपने को भी क्या हुआ है. चलो ऑल फुटेज क्लियर, और कुछ नहीं करना इधर. वेरी नाइस, कितनी सारी दवाई थी भाई. ओके गाइस अब हम लोग क्लीन कर लेते हैं. देखो क्लीन करते हुए तो मैं तो आपको कितनी बार दिखा चुका हूँ, तो बार बार दिखाने का मतलब नहीं है भाई. आई थिंक अपन ने यहाँ पे एविडेंस मिल गया. Oh, एक और एविडेंस मिल गया. My mom is scaring out of me. Tatti. I wake up and she's standing over my bed praying. अरे भाई, इतना बड़ा पैराग्राफ लिखा उसने, लिखा है God damn. Shit. Religious fanatics. क्या जवाब है भाई? Sometimes your mom is one of them. Okay, I think अपने को सारे स्पीकर मिल गए. ओ नहीं, एक और बचा है अभी. One more speaker to go. ओ यहाँ पे होगा ये. ओ यहाँ पे भी एक एविडेंस पड़ा है. ओके रुको, मैं साफ करके इसको निकालता हूँ अभी. ये सोफा साफ करके इसकी जगह पे लगा दो, देन आई थिंक नीचे से अपने को बढ़िया एविडेंस मिल जाएगा. ओ भाई ये तो जिद्दी दागे हैं, ऐसे जा नहीं रहे. हाँ हो गया हो गया. ऑलराइट, व्हाट इज दिस शॉटगन राइफल भाई साहब? ओके ऊपर के एविडेंस तो हो गए भाई, दिस इज डन. नीचे के और चाहिए मेरे को. आई एम वॉचिंग यू. अरे यार मेरे को मत डरा भाई, मैं कर रहा हूँ अपना काम. ओके नीचे एक एविडेंस बचा होगा यार कहीं. चलो गाइस आई थिंक पहले साफ कर लेते हैं, एविडेंस अपने को मिल ही जाएगा. सो सारी चीज़ें अच्छे से लगाना चालू करते हैं एंड इनको साफ भी करना चालू करते हैं. हाँ मैं बोल रहा था कि अपन बार बार क्या दिखाएंगे, एक ही चीज़ वही तो साफ करना है, तो फटाफट से साफ करते हैं भाई, ताकि सेम चीज़ देख देख के परेशान ना हो जाओ आप भी. अच्छा मेरे को ट्रांजिशन करना था. चलो आधा आधा मैंने मिटा दिया ना. एक सेकेंड, चुटकी. अरे चुटकी बजी नहीं, चुट अब बच जाएगी. चलो भाई साहब ये वैक्यूम क्लीनर पूरा गंदा किए जा रहा है, मैं वही सोच रहा हूँ ये क्या हो रहा है, इसको तोड़ना पड़ेगा. तेरी चलो दिमाग खराब. चल मैं वही सोच रहा हूँ गंदा किए हुए जा रहा है. अरे लो और गंदा कर दिया, गजब आदमी है. वैसे ऑलमोस्ट क्लीन हो चुका है गाइस, अच्छा खासा ट्रांजिशन करने वाला था, ये वैक्यूम क्लीनर ने इससे सी करा दी. अभी करता हूँ रुको. चलो गाइस ट्रांजिशन खत्म. आ गए हम लोग पूरा क्लीन करके भाई. यहाँ पे बहुत 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 ही ज़्यादा गंदा था यार, करीब आधा घंटा लग गया मेरे को ही साफ करने में. बट ये लिविंग रूम पूरा क्लीन हो चुका है एंड क्या बढ़िया लग रहा है. ये डब्बा वब्बा हमारा हटाने का काम हमारा नहीं है. एक सेकेंड, ये कैसे छूट गया? वट अबे यार ये कैसे भूल गया मैं. फेल्ड गाइस, फेल्ड. ओके बस ये कर देता हूँ, अभी मिलता हूँ मैं. एविडेंस में मिल चुका है अपने को. ओके इतना हो गया, अब यहाँ पे थोड़ा बहुत बाकी है. एक कचरा हटाओ यार सबसे पहले तो. भाई इनके पास बिल्ली थी, बिल्ली के इतने बड़े पंजों के निशान कैसे हैं? लेकिन अब बिल्ली है नहीं यहाँ पे. वाओ ये बिल्ली ऊपर तक कैसे चढ़ गई? व्हाट आई, या फिर ये डराने के लिए है सिर्फ, हो सकता है. ओके गाइस ये रहा वो एविडेंस. ये तो अलग ही स्केरी है भाई. आंटी जी आपको पागल बनाया गया है, आपका घर अब तो गया. I had to save my little boy.
Save his soul from the evil spirit within him. Fear and delusions led her. Delusion, guys. Delusion. Okay, और कहाँ है भाई? इधर से सब साफ हो गया. I think सीढ़ी बचा है बस अपना. जब सीढ़ी बचा है इतना. यार नीचे वाले में एक गड़बड़ हो गई. पता है यहाँ पे ये सोफा का वो था सीट एंड इसको मैंने गलती से थ्रो कर दिया. अब वो थ्रो करके अंडरग्राउंड चला गया है. अब उसको कैसे निकालूं मैं? अंडरग्राउंड है कि ऊपर चला गया भाई, पता ही नहीं है. इधर आया है क्या? नहीं यार, इधर तो नहीं है. अब वो एक होगा नहीं और उसकी वजह से मेरा परफेक्ट नहीं होगा मिशन. ओ ये तो रहा. ए ऊपर आ गया. ये बच गए भाई, बच गए. ये बच गए. थैंक यू. अच्छा हुआ भाई कहीं और नहीं गया. चलो गाइस, इधर भी बड़ा मेहनत का काम है. इधर तो कुछ ज्यादा ही मेहनत का काम है. इधर तो और टाइम लगेगा भाई. तो फटाफट से मैं ये कर लेता हूँ. इस रूम से ही चालू करते हैं. अच्छी बात है, इधर ज्यादा कुछ नहीं करना है. चलो ये रूम तो फटाफट हो जाएगा. नहीं, इसको साफ ऐसे नहीं करना भाई. बाथरूम नहीं है क्या इधर? अरे रे, पानी यहाँ से मिल जाएगा. ओके, आजकल लोग पैसे के लिए क्या क्या करते हैं देख रहे हो? उनका घर हॉन्टेड हाउस बना दिया है. इतना बढ़िया घर, अब बेचारे डर डर के रह रहे हैं. थे थे. ओके, ये रूम पूरा क्लियर हो गया भाई. नाइस. चलो उसको बंद कर दो. चलो अपने हॉलवे पूरा क्लियर कर दिया है ताकि आने जाने में आसानी हो अपने को. एंड यहाँ पे सब सेट हो गया. ओके, अब ये कमरा देखना है अपने को. ये देखेगी, ये देखे, यही दो बच्चे हैं ना. बस ये कर दूँ, एक सेकेंड भटकते रहते हैं अपन. चलो इससे चालू करते हैं, ये ज़्यादा डिफिकल्ट लग रहा है मेरे को. बाल्टी ले आता हूँ अपनी. भाई ये तो देखो, ये बिस्तर कैसे साफ होगा? इसको लॉन्ड्री में धोना या फिर फेंको? बिस्तर साफ क्यों करूँ मैं? हद है ना भाई, बिस्तर कौन साफ करेगा? ये दिस इज नॉट इन माई केयर है. ओके परफेक्ट भाई, क्या क्लीन कर रहा है अपन ने. ऑल राइट गाइज, ये रूम भी क्लीन हो गया. एक सेकेंड, व्हाट इज दैट? ओके, अब नहीं है भाई, अब कुछ भी नहीं है. अब पूरा क्लीन हो चुका है. अब बस साइड वाला रूम बचा है अपना. इधर लाइट मारते हुए चलो भाई, कहीं कुछ दिख जाए दाग उग पे. ऐसा लग नहीं रहा लेकिन. ओके लेट्स टेक दिस रूम भाई. भाई मैं दोनों रूम में गया हूँ, दोनों रूम पे ये स्विच पे हाथ है. लाइट क्यों बंद करना था? ओ वो भी मिला अपने को, बुलेट शेल्स. शॉटगन शेल्स है वैसे तो, थेमी चीज है. अरे यार ये उठा लो, नहीं तो कोई देख लेगा, डर जाएगा बेचारा. एंड अपना कारपेट भी साफ हो चुका है. इसको इधर लगाओ. लेट्स क्लीन दैट. कुर्सी, कुर्सी में हो गया ना? नहीं है भाई, दाग तो है अभी भी. ओके गाइस, ये जगह भी ऑलमोस्ट क्लीन है. बस एक आध चीज़ें और बाकी हैं. एंड ये बड़ा सा पेंटिंग बाकी है. रेड केचप गिर गया था थोड़ा. मी व्हेन फ्राइज आर ऑलमोस्ट ओवर. मैडम ने शॉटगन से मारा था इसको, इसलिए पूरे छींटे पड़ गए इधर उधर, है ना. अब बस फर्नीचर लगाना है अपने को. ये लगाया. अरे आजा. ओके एंड और क्या बच गया भाई? ओ कैसेट. लेट मी आउट, लेट मी आउट. एक और फर्नीचर लगाना कहीं बच गया है. लेट मी चेक. इधर इधर थोड़ा कचरा बचा है, ये उठा लेता हूँ मैं. ओके, सारा कचरा अपन ने उठा लिया है. मूव द फर्नीचर बैक टू इट्स प्लेस. ये थोड़ा देखना पड़ेगा यार. ओके 8-9, क्योंकि फर्स्ट फ्लोर पे लिखा है तो यही कुछ रह गया है. ओ ये लैम्प, वेयर इज द लैम्प? अच्छा ये रहा. ओके कंप्लीट गाइस, हॉन्टेड मैनर फुल्ली क्लीन कर दिया अपन ने. अब हम इसको ले लेते हैं. अरे यहाँ क्यों पानी पानी कर दिया, साफ करो अब. ओके लेट्स गो गाइस, सब कुछ क्लीन कर दिया है. मेरे ख्याल से कुछ सीक्रेट भी नहीं था भाई इधर ज़्यादा तो. तो आई थिंक वी आर गुड टू गो. पता नहीं हो भी सकता है भाई, सीक्रेट पड़ा हो. ये निकाल के देखो क्या लग नहीं रहा, लेकिन छोड़ो नहीं तो बोलेंगे और गंदा करके चले गए. ऑल राइट लेट्स गो गाइस, सारा काम कंप्लीट. अब बाहर जाके पता चलेगा अपने को कितना अच्छा किया है कितना नहीं. 51 मिनट, काफी बड़ा टास्क था भाई ये. ओके सारे एविडेंस मिल गए अपने को, दैट्स गुड. सारी बॉडीज ऑब्वियसली मिल गई. कम ऑन, परफेक्ट होना चाहिए. 6,500 उसके और 2,500 ही स्टोलन आइटम. मेरे ख्याल से ज्यादा नहीं था इधर सामान, टोटल 9,000 हो गए. लेकिन एक अपन ने वो नहीं लिया.
अरे दूसरा सीक्रेट भी नहीं लिया, कैसे बच गया यार? दूसरा सीक्रेट तो कैसे नहीं मिला अपने को? व्हाट, मैं पेंटिंग अंटिंग के पीछे था क्या? अरे यार चलो, परफेक्ट स्कोर तो हो गया, कोई बात नहीं। स्किल ट्री वाइज स्किल ट्री आई है, आ जाओ। अरे हटना। ओके फाइनली कुछ और अच्छी चीजें अपन अनलॉक कर पाएंगे। देखो उस मॉप में मैंने पूरा कर लिया है, स्पंज भी पूरा कर लूँ क्या? लेकिन या फिर वाटर, नहीं वाटर की जरूरत नहीं है, जर्नल। ओ भाई ये काफी सही है यार, आफ्टर स्टेपिंग ऑन अ स्टेन यू लीव फ्यूअर फुटप्रिंट्स, उसके बाद नो फुटप्रिंट। मतलब अपन कैचअप पे चलते हैं ना तो फुटप्रिंट आ जाते हैं अपने, वो अच्छा नहीं है यार। ओके लेट्स टीन अप्लाई कर दिए इधर। ओके एक स्टेयर भी चाहिए मेरे को यार ऊपर जाने के लिए, ये इंपॉर्टेंट चीजें मिली ना अब। ओ दिस इज गुड भाई। ओजोनेटर, इट वीकन्स नियर बाय स्टेन्स इन टाइम मेकिंग देम इजियर टू क्लीन, ये सही है यार। ओके पूरा यूज कर लिया अपन ने। स्लीपिंग टाइम, यस सर। ओ ओ ओ व्हाट इज दिस, मैटियो पिजेरिया। ओ Big Jim. We've let him do whatever he wants for far too long. Okay. But yeah, it's time we teach this motherfucker who real. Did someone call for Big Jim? Phir aa gaya. Oh. Are yaar. Who's laughing now? भाई बिग जिम से जो भी पंगा लेता है अपने को जाना पड़ता है। अपनी बैंड बस्ती भाई, इतना काम हमें मिल रहा है, अच्छी बात भी है भाई, पैसा भी कमाने को मिलता है। Please, I swear, I won't tell. Too much talking. बिग जिम भाई तो दादा ही वो निकले, हायर लेवल क्रिमिनल है ये। ओ, उसी जगह का पिज्जा है तो। अरे रे बिग जिम का फोन भी आ गया। हेलो, दिस इज जिम, व्हाट यू डिड एट माइक्स वाज गुड बट वी गॉट बिगर फिश टुनाइट, आई हैव टू टेक केयर ऑफ सम बैकस्टैबिंग फकिंग स्कीमिंग अगेंस्ट मी एट मैटियोस पिज्जा, व्हाट कैन आई से, ये उसी का पिज्जा है देखो। So we pay some body bags, Kowalski. Okay, sir. So now I'm eating their last pizza. अरे यार देख लो गाइस, उस जगह का यहाँ पे लास्ट पिज्जा है, खा लो ये, मस्त है, मैं तो पूरे खा लूंगा। अरे यार ये तो बढ़िया था। चलो गाइस, तो बिग जिम का एक और मिशन आ चुका है जहाँ पे बिग जिम भाई साहब ने एक पूरे क्या बोलते हैं पिज्जा शॉप पिज़ेरिया में बैंड बजा दिया, एंड वहाँ जाके हमें उसका बैंड साफ करना है। नॉट बैंड भाई, बेसिकली वहाँ जाके साफ सफाई करनी है भाई। इतना हिंदी दिमाग में नहीं आ रहा है अभी तो। चलो गाइस इसी के साथ हम आज का एपिसोड भी एंड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, इसको करेंगे हम अगले एपिसोड में। अगर आप लोगों को मजा आया हो तो प्लीज़ लाइक बटन दबा देना, हम लोग जाते हैं 300 लाइक के लिए, तो 300 लाइक करवा दो फटाफट से, सब्सक्राइब कर लेना अगर अभी तक नहीं किया हो तो, एंड मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में बहुत ही जल्द। तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन, टेक केयर एंड आई विल सी यू वेरी सून।